हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी फ्रिल बनाने का एक आसान सा तरीका। ये देखिए, जो आप फ्रिल देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रिल है और ये हमने 1.5 इंच चौड़ाई वाली तैयार करके बनाई हुई है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन 1.5 की हमारी यहाँ पर ये रेडी हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इतनी प्यारी सी फ्रिल ये तैयार की जाती है। दोस्तों, जो आपने फ्रिल देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। तो आप ये जो फ्रिल बनाते हैं तो इसकी सबसे पहले हमें पट्टियां कटिंग करनी होती हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा, इसको हम एक साइड से ऐसे बिछा लेंगे अच्छे से, इस तरीके से। कोई भी सलवट हो उसको हम ऐसे खोल लेंगे। इसके बाद इसमें लगा देंगे हम इस तरीके से फोल्ड, ऐसे इसमें इस तरीके से हमने यहाँ पे फोल्ड लगा देना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये फोल्ड जो है लगा दिया है। फोल्ड लगाने के बाद अब हमें जितनी चौड़ाई वाली फ्रिल चाहिए होती है, जैसे हमें चाहिए यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली, तो हम 1.5 इंच का यहाँ पे इस तरीके से 1.5 का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने 1.5 का यहाँ पे निशान लगा लिया है। इन निशानों को हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमने सभी निशान एक दूसरे से मिला लिए हैं। इसके बाद हमें कटिंग करनी है 1/2 इंच बाहर की साइड। जितना आप मार्जिन लेते हैं, 1/2 इंच या 1/4 इंच या 1 पैर, उतना ही बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाना होता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने निशान लगाया है, ये हमारा कटिंग का निशान होगा। तो हम यहाँ पे सीधी पट्टी ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने सीधी पट्टी यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें अगर ज्यादा लंबाई वाली फ्रिल ज्यादा बनानी हो तो एक पट्टी हम इस तरीके से और सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों पट्टी ये कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पे चलेंगे और सीखेंगे फ्रिल कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम मशीन पे। देखिए, जब भी आप फ्रिल तैयार करते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखें आपको कितनी लंबाई वाली फ्रिल बनानी होती है। अगर आपको ज्यादा लंबाई वाली फ्रिल चाहिए होती है तो आपने यहाँ पे लगाना है जोड़। तो यहाँ पे ये हमें सीधा पासा जो है ऊपर की साइड रखना है, फिर दूसरी साइड, दूसरी पट्टी का सीधा पासा जो सीधी साइड होती है वो हमें नीचे की साइड रखनी है। मतलब आपस में मैच करनी चाहिए दोनों साइडें सीधी। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन काट देते हैं, सिर्फ हमें एक पैर का यहाँ पे मार्जिन चाहिए होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस मार्जिन को, जो ये हमारा मार्जिन बचता है, इसको हम ऐसे चीर लेते हैं। इस तरीके से आपने चीर लेना है। चीरने के बाद हम फिर से यहाँ पे आएंगे ऐसे, इसको पट्टी जैसे हमने कटिंग की थी डबल करके ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे इस निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, तो पूरी पट्टी हमारी यहाँ पे डबल हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रिल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से हमें ऐसे प्लेट डालनी होती है, ऐसे यहाँ पे। आप 1/2 इंच की डालें, 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा डालें, लेकिन आपकी प्लेट यहाँ पे बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। इस तरीके से आपकी यहाँ पे प्लेट बिल्कुल बराबर आती जानी चाहिए, ये वाली। तो ये देख ले, आप ध्यान दे जरा, इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट डालते चले जाएंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरी फ्रिल कर ली है तैयार, और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप आई है। आप इसको किसी पिल्लो में लगा सकते हो, बेडशीट में लगा सकते हो, कुशन में लगा सकते हो। आजकल तो ये गले की नेक लाइन जो होती है उसको भी डेकोरेट करने में या घेरे में पल्ले में बहुत ही सुंदर लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।